कोरिया जिले के जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां लगभग सभी 80% नहर पानी के बिना सालों से सूखे पड़े हैं। बता दें कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर के समीप दो बड़े बांध स्थित हैं, झुमगा जिसका निर्माण छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने अविभाजित मध्य प्रदेश के वक्त कराया था, और उसी वक्त किसानों को खेती करने के नहरों का निर्माण कराया गया था जिससे किसानों को लाभ मिले। लेकिन अब क्षेत्र के 80% नहर की स्थिति जर्जर हो चुकी है, कई नहरों का अस्तित्व भी अब खत्म हो चुका है और कई नहरों का अस्तित्व खत्म होने के कगार में है। साथ ही कई नहरों के बैंक को काट कर मकान का निर्माण कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से भी बात की गई। उनका कहना है कि मामले की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा ये जो दिख रहा है ये कोट जलाशय है, यहाँ का पानी मात्र नहर में बरसात के समय आता है, उसके बाद पूरा सूखा रहता है नहर। और नहर में जो झाड़ी उड़ी उग गया है, इसका एक आग बार मरम्मत हुआ, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जब से नहर बना है तब से कभी यहाँ पानी नहीं आया है। पेड़ पौधे पूरा उग चुके हैं, झाड़ी हो चुका है। लगभग लगभग 6-7 साल पहले एक बार मरम्मत हुआ था। संसाधन के अंतर्गत जो भी हमारे बैकुंठपुर जिले में, पूरे जिले में जो भी नहरें हैं, उनके समय समय पर उनकी रिपेयरिंग की मांग आती रही है। और ये भी हमारे संज्ञान में आया कि पर्याप्त राशि इनको उनके डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है, तो ये हमने इनको निर्देश दिया है कि आप ये पहले चेक करें जो राशि आ रही है वो वास्तव में उसी चीज़ के लिए यूज़ हो रही है जिसके लिए वो प्रदान की गई है। यदि वो उस राशि का उपयोग किसी और चीज़ के लिए किया जाता है तो ये एकदम गलत है, उसमें वित्तीय अनियमितता की बात आती है, और हमारे सामने यदि आता है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।